अच्छा रामायण में कहीं लिखल बा कि राम जी कहत रहले कि झुकेगा नहीं, पुष्पारा जो घरी रहले नानू कदू तनी सा निहूर जाए तो झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसे। राम राम राम। और अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अनुशासन तोड़ना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया और प्रद्युमन जी को समय दिया। बहुत अच्छा। हालांकि प्रद्युमन जी प्रसंग सुनौले देखौले हैं, बहुत सुंदर केकरा के बनौले रहले हैं दुल्हा जी, कहां गइले भाई बुझाते न रहल कि दुल्हा ही तब लबार बना देले रहल लोग। अच्छा रामायण में कहीं लिखल बा कि राम जी कहत रहले कि झुकेगा नहीं, पुष्पारा जो घरी रहले नानू कदू तनी सा निहूर जाए तो झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसे। राम 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 राम। ये बनावटी बात है साहब, रामायण का नहीं। और ये जो हम लोग मंडप में रामायण पढ़ते हैं अष्टयाम के मंडप में, वो होता है श्री राम चरित्र मानस। और इस मानस में कहीं नहीं लिखा गया है कि राम जी हठ करके थे कि हम सर नहीं झुकाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा गया है। नहीं। कि लोग सखियां रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप सर झुका लीजिए, और रामचंद्र जी नहीं झुक रहे थे क्योंकि क्षत्रिय कुल का थे इसलिए नहीं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं। ये दूसरे रामायण का है जो कि अष्टयाम में नहीं पढ़ा जाता है, रामायण पाठ में नहीं पढ़ा जाता है। इस रामायण में लिखा हुआ है चतुर सखी लखी कहां बुझाई, बुझाई पहिरा बहु जयमाल सुहाई, धनुष टूटल बा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े बहु नलखा देख सब ठाढ़े, तेही छन राम मधय धनु तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। मतलब कि कब राम जी धनुष उठौले कब तोड़ देले इहो केहू के ना बुझाए, फूल जैसा धनुष के तोड़ दिहले, आवाज सुन के लोग के पता चलल के धनुष टूट गए। लेकिन सीता के सखी इतना चतुर रहे लोग, इतना चंचल रहे लोग कि लिखल कि चतुर सखी लखी कहां बुझाई, बुझाई आ पहिरा वहु जयमाल सुहाई, सुहाई जैसे धनुष कब उठ के टूट गई केहू के पता ना चलल, वो सही इतना जल्दी जयमाल भी हो गई, इतना चंचल सखी लोग रहे कि इहो विधि पल में हो गए। लेकिन अब जमावे खातिर चाहे मोर मजाक करे खातिर अब तो कुछ हम झुकेगा नहीं तो ढुकेगा नहीं, ई कुल बात ना हो भाई, ई बनौआ बात लगत रह कहे तो कादो लड़की संभार न होई तो बाबूजी संभरी है। अब बताई राम जी कहले रहस के बियाह हो जाई तो हम ना संभारम तो कादो बाबूजी संभरी है। माने गलत बात बा के ना बोली रवे लोग बोली। ए भैया सीटिया काहे मारत तर भैया। अच्छा बताई राम जी कहले रहस कि मैंने दशरथ जी संभरी है, जा धन बड़ कलाकार है भाई, आइ का रात भर लिखेलस रे मर्दे कहीं का बुझाला कि तईद के लड़का आइल बा ब्यास में के आइल है। तारा चुटकुला कहता रे जंघिया में चुटकुला कतना बाउर कहले राम 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 कि हम पढ़े ना गईनी हमर जंघिया खींच देहल रहे, ई देखे गई रहले कि हमरा एक एगो जंघिया में जंघिया बा जबर ओकरा बाद हमरो कहले हम वहां तक जाइज बा, ई मैडम जी के जंघिया के कहले ई कतना लजी तला बा राम राम। देखिए ये कैसा स्टूडेंट है, टीचर के केहू जंघिया देखेला आपुना तहर दिमाग भोथर हो के रे मर्दे कहि आपुना दिमाग तहर भोथर हो के ये सब सोच रखले बा रह, एही से तहरा कॉपी कलम लेके चले के परता न त ओ घड़ी जंघिया ना देख के अगर कॉपी कलम ओ घड़ी देख लेले रहता न त दिमाग के स्टोरेज तहर बढ़ गेल रहित के बिना कॉपीए कलम के बैठल बैठल सब हमें नोट रहित के हमरा उठ के का गावे के, तो वो घड़ी तो ध्यान दे जंघिया पर कॉपी कलम लेके भूत लैका के बस्ता भारी चला के जौन स्टूडेंट भाई एक एगो किताब ले जाई कवन जौना दिन के जौन विषय पढ़ाई बा उ
बाकी भोथवा सब के पता नहीं थे कि कौन विषय आज पढ़ाई हुई क्या के रूटीन तो पता नहीं थे डेली स्कूल आवे जाए के नहीं थे ओकरा ई डर रही कि का जाने कौन सब्जेक्ट आज पढ़ाई हुई रह मैं पिठैया किताब वाला लाद ले द जवन सर जी कहीं निकाल दे एक बस्ता उ हे पल्लाद के ले जाने सब गधा ले तो गधा से तुलना कई जाने वो स्टूडेंट के लिखो लिखो ये पढ़ले रहता बचपनवा में तो आज लिखे के ना पढ़े ई मेहनत न होता बिना मतलब के आ तू गावा तर त हम शांत बैठ जतनी सुत जतनी लेकिन तहरा बैठलो में मेहनत बा बारे रे मर देबे गावा हूं में मेहनत बा बैठलो में शांत नहीं खा।